and subscribe and press the bell icon to never miss a video from two IITians. A player throws a ball at an angle 30 degree. ऐसे फेंक रहा, ऐसा सवाल जस्ट इसके पहले हम लोग कर चुके हैं, तो इसलिए मैं ये थोड़ा जल्दी जल्दी लिखूंगा. अप विद द हॉरिजॉन्टल विद द वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकंड. यू हमें 14 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है. इफ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज एट अ हाइट ऑफ 12 मीटर, मतलब ये पॉइंट जो है जमीन से 12 मीटर ऊंचाई पे है. देन कैलकुलेट द डिस्टेंस अप To which the ball is thrown by the player, यानी कि हमसे रेंज पूछी गई है. ये पूछा गया है और ये दिया गया है, ठीक है. तो जब u दिया है, ये 30 डिग्री है, तो ux हो जाएगा u cos 30 डिग्री, यानी कि 14 multiplied by root 3 by 2, ठीक है. तो ये हो जाएगा 7 root 3 और ये हो जाएगा 7. फिर से समझो, ये 14 है, 14 cos 30 डिग्री यहां आ गया, 14 sin 30 डिग्री यहां आ गया, खत्म बात. uy जो है वो h के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ux जो है वो रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये कर चुके हैं हम लोग. बहुत ही चालाकी से h की जगह हम लोग -12 रख रहे हैं यहां पे. आप अगर ये -12 रखना नहीं पसंद करते तो आप इसे प्लस कर लीजिए, यहां माइनस कर लीजिए, दोनों में वही काम हो जाएगा, ठीक है. तो ये -12 हो गया, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि ये पॉइंट से नीचे हम लोग आ रहे हैं, ओरिजिन से हम लोग नीचे आ रहे हैं, इसलिए हाइट नेगेटिव ले रहा है. अच्छा, UI क्या है? 7 t -8/2, बहुत ही आसान किया जी, 10 दिया. टाइम ही निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, टाइम क्यों निकाल रहे हैं अभी समझ में आएगा. 5t² -7t -12, 5t² +5t -12t -12, 5t t +1 -12t +1. तो यहां पे यार एक आ जाएगा t = -1 सेकेंड, ये बेकार हो गया. दूसरा आ गया t = 12/5 सेकेंड, ये सही लग रहा है थोड़ा. रेंज निकालने के लिए ux मल्टीप्लाइड बाई t है. ux कितना है? 7√3 मल्टीप्लाइड बाई 12/5. काफी कैलकुलेशन, 7 × 1.732 × 12/5. रेंज आ गया अपना कितना? 29.09, जो कि आपकी बुक कह रही है 29.1 मीटर. हो गया काम अपना, रेंज निकाल ली, हो गया ना स्पीड में.